तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल प्लैनेट ब्लू में। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ दो बड़ी फीमेल गिनी पिग्स दिख रहे हैं, जिसमें से एक एल्बिनो है और बाजू वाले केज में गॉगल दिख रही होगी। और ये देखिए, नन्हा बेबी गिनी पिग निकल रहा है, ये एल्बिनो ने ही दिया है। और यहाँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है लखनऊ में, कभी कभी 50 डिग्री भी पहुँच जा रहा है, तो मैंने दोनों केजेस का ये चोर दरवाज़ा मिला के दोनों को एक कर दिया है। और अब ये लोग यहाँ वहाँ जा सकते हैं। तो इन्होंने किया गया, एक साइड में ग्रास रख के अब सारा सोने का जो सामान था सब एक साइड में रख के इन्होंने अपना घोंसला बना दिया है, और एक साइड में खाना पीना रखा हुआ है। और ये सिर्फ वहाँ पे खाने के लिए टॉयलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एल्बिनो मेरी गिनी पिग है, इसने दो बच्चे दिए थे, तीन दिए थे, उसमें से एक सेल हो चुका है और अभी दो मेरे पास हैं, जिसमें से वो पेयर ही हैं। तो कुछ दिनों में ये लोग भी अडॉप्ट हो जाएंगे या सेल हो जाएंगे, जिसको जहाँ जाना होगा अपने अपने नए घर जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो दो ही गिनी पिग हैं, जिसमें से दो छोटे छोटे बच्चे हैं और एक ये फ़ीमेल जो कि गॉगल, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये एल्बिनो गिनी पिग के बच्चे हैं, तो हुआ क्या था कि गॉगल ने जो बच्चा दिया था जो कि मेल गिनी पिग था, ये उससे मैंने ब्रीड कराई थी इस फीमेल एल्बिनो गिनी पिग की, और यहाँ दो कलरफुल बच्चे हुए। तो यहाँ ये बच्चों को इसलिए हटा रही हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो नेस्ट बनाया हुआ है, इसमें ये दोनों बड़ी फीमेल्स समझौता करके आपस में सोती हैं और बच्चों को दूसरे साइड यानी कि इसी नेस्ट में, इसी केज में, दूसरे कॉर्नर पे सुलाती हैं, क्योंकि अभी ये छोटे हैं और इनको गर्मी और भी लग सकती है। नेस्ट में सोने का रीज़न क्या है ये फीमेल से ही जाने, लेकिन यहाँ पे खाने पीने के वक्त ये लोग आपस में बिल्कुल लड़ाई नहीं करते, एक साथ मिल के खा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि गर्मी है, तो मैंने बाकी पेट्स को बहुत ध्यान से अलग अलग जगहों पे रखा है, और वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनको मेंटेन करना, दिन में एक जगह रखना, रात में एक जगह रखना, तो काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है इस बीच में, और फिर ऑफिस जाना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपने इन्हीं गिनी पिग्स को दिखा रहा हूँ, और ये इनके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैं खीरे लेकर आया था 5 किलो, और ये 5 किलो खीरे बिल्कुल कम है इनके लिए, ये 2-3 दिन में बिल्कुल उड़ा देंगे इसको और ये गायब हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।